भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज से वाराणसी और मिर्जापुर दौरे पर हैं। अमित शाह ने मिर्जापुर में जनता को संबोधित किया, इस दौरान सीएम योगी भी मौजूद रहे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने दो दिवसीय अमेठी दौरे से मिशन यूपी की शुरुआत की। इस दौरान राहुल मृतक किसान अब्दुल सत्तार के घर पहुंचे और परिवार से मुलाकात की। अब्दुल की गेहूं खरीद केंद्र के बाहर मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया सांसद कलराज मिश्र के बड़े भाई स्वर्गीय सूर्यनाथ मिश्र को श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी ने कलराज मिश्र के परिजनों से भी मुलाकात की। फिरोजाबाद में कोटला रोड पर आरएसएस कार्यकर्ता की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक के परिजन हमलावरों की गिरफ्तारी के साथ साथ मुआवजे और नौकरी की मांग पर अड़े हुए हैं। एसटीएफ ने 44 से मादक पदार्थों की अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद। लखनऊ में कल 1090 चौराहे पर मासूम बच्चे की हत्या करके फेंके जाने के मामले में एक सीसीटीवी फुटेज मिला है, जिसमें संदिग्ध हत्यारा कैद हुआ है। ईटा में स्कूल से वापस लौट रही 6 साल की मासूम छात्रा के साथ गांव के ही दबंग ने दुष्कर्म को अंजाम दिया है। मासूम पीड़िता की मां के मामला दर्ज कराने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। बदायूं के गांधीनगर में शराब के नशे में पति ने पत्नी की जमकर पिटाई कर दी। पति ने पत्नी को जबरन तेजाब पिलाने की भी कोशिश की। पीड़िता को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। गाजियाबाद के लोनी इलाके में मामूली बात पर सब्जी विक्रेता की हत्या कर दी गई। सब्जी विक्रेता इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बागपत के एनएच 709B पर दो युवकों के शव पड़े मिले हैं। हत्या के बाद शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल अभी तक दोनों शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई। हरदोई के पियानी इलाके में करीब 1 महीने से ड्यूटी से लापता सिपाही का शव खेत से बरामद हुआ है। पुलिस ने हार्ट अटैक किया जहरीला पदार्थ खाने से मौत की आशंका जताई है। फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सोनभद्र में अनपरा में एक परिवार पर अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। पुलिस ने घायल दंपत्ति को अस्पताल पहुंचाया, जहां घायल पति ने दम तोड़ दिया, जबकि पत्नी जिंदगी और मौत से जूझ रही। संभल के सदर कोतवाली इलाके में एक तरफा प्यार में सिरफिरे ने महिला पर फायरिंग कर दी। फायरिंग छोटी बच्ची घायल हो गई। दोनों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। बुलंदशहर की नगर कोतवाली पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई। मुठभेड़ में 15,000 का नामी गोली लगने से घायल हो गया। वहीं एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। बिजनौर में सड़क किनारे लूट की साजिश रच रहे बदमाशों से पुलिस ने मुठभेड़ कर दो बदमाशों को गोली मारकर घायल कर दिया, जबकि गोलीबारी में एक एसओजी जवान भी जख्मी हो गया, वहीं जबकि तीसरा बदमाश भागने में कामयाब हो गया। झांसी के टैरोली एसडीएम के दफ्तर में मोबाइल से वीडियो बना रहे फरियादी को नायब तहसीलदार ने सरेआम मारने की धमकी दी है। फरियादी जमीन से जुड़े मामले की शिकायत लेकर एसडीएम के पास पहुंचा था। मथुरा में सिरफिरे आशिक ने प्रेमिका से ब्रेकअप होने के बाद युवती पर चाकुओं से हमला कर दिया। पुलिस ने घायल युवती को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। वहीं हमला करने वाले आशिक की तलाश शुरू कर दी। संभल के सरकारी अस्पताल के फार्मासिस्ट के घर एक दर्जन से ज्यादा दबंगों ने धावा बोलकर घर में घुसकर जमकर मारपीट की। एक दर्जन से ज्यादा दबंगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। संभल के बैजोई इलाके में नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर गृह स्वामी को गन पॉइंट पर लेकर डकैती को अंजाम दिया। बदमाश 2.5 लाख की नकदी सहित 5 लाख की लूट करके फरार हो गए। लखनऊ के गोमती नगर विस्तार में मजदूर की निर्मम हत्या में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने सीतापुर से धर दबोचा है। पुरानी लेन देन के चलते आरोपी ने लाठी मारकर मजदूर की हत्या कर दी थी। कासगंज में कार और डीसीएम की आमने सामने की भिड़ंत में 20 साल के युवक की मौत हो गई और एक की गंभीर हालत में जख्मी हो गया। परिवार दिल्ली से सोरो शादी में जा रहा था। एटा के अलीगंज में एक तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक सवार दो लोगों को रौंद दिया है, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। मृतक के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात बोलेरो शुरू कर दी। भारी बारिश के चलते कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है। साथ ही सभी तीर्थयात्रियों को नेपालगंज एयरपोर्ट पर प्लेन से उतरकर उपैडिया के रास्ते बहराइच पर रुकवाया गया। चंदौली के अलीनगर में स्कूटी से पत्नी के साथ जा रहे सीआरपीएफ के जवान से 3 बदमाशों ने चाकू की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। जवान के चिल्लाने पर ग्रामीणों ने पहुंचकर दंपत्ति की जान बचाई।
कानपुर के थाना सजेती के अंदर दरोगा की चाकू से गोद कर हत्या करते हुए सूचना मिलते ही जिले के आईजी और एसएसपी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी है। किसी करीबी के हत्या में शामिल होने की आशंका फिलहाल जताई जा रही है। संभल के असमौली इलाके में युवक की हत्या कर शव फेंके जाने के मामले में पुलिस ने घटना का खुलासा कर हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने मृतक युवक से पिटाई का बदला लेने के लिए मौत के घाट से उतार दिया। फरुखाबाद के कमालगंज के गांव भोजपुर के जमीन विवाद के चलते दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। एक पक्ष के दबंगों ने घर में घुसकर महिलाओं से छेड़खानी की। हमले में महिलाओं सहित कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। फरुखाबाद में एक युवक की कुत्ते के काटने से मौत हो गई। पीड़ित को लोहिया अस्पताल और सीएचसी कमालगंज से भी एंटी रेबीज वैक्सीन नहीं मिल पाई।